नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में 60-40 नए चलतों को लेकर 10-11 जून को झारखंड बंद। नियोजन नीति को लेकर छात्रों के द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन अब जोर पकड़ने लगा है। बता दें, 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने 10 और 11 जून को झारखंड बंद बुलाया है। इससे पहले जारी आंदोलन के दूसरे चरण में 26 मई से 8 जून तक ढोल ढाक मांदर के थाप के साथ राज्य के सभी चौक चौराहा हाट बाजार एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों में झारखंड की पारंपरिक वेशभूषा के साथ सखुआ पता परिभ्रमण कराया जाएगा। वहीं झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले चल रहे इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड सरकार छात्रों की मांग को अनसुनी कर रही है, जिसका खामियाजाना भुगतना पड़ेगा। आंदोलन के पहले चरण में छात्रों ने 42 सत्ताधारी सहित 72 विधायकों के पास जाकर उनके समक्ष मांगे रखी है। इसके अलावा 13 सांसदों से लिखित समर्थन मिलने का भी दावा किया गया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने दावा करते हुए कहा है कि अधिकांश सांसद विधायक ने 60-40 नए चलतों का समर्थन किया है। इन सारे दस्तावेज को लेकर जल्द ही छात्रों का एक शिष्टमंडल स्पीकर से मिलकर ज्ञापन सौंपेगा। इसके अलावा राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के समक्ष ज्ञापन भेजकर झारखंडी जनभावना से अवगत कराया जाएगा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के उत्तर पश्चिमी दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के मुताबिक रांची में बारिश शुरू हो गई है। इसके अलावा गुमला खूंटी सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में बारिश होगी। पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 1 से 3 घंटे में हल्के से मध्य दर्ज की मेघ गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। वहीं कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी देखी जा सकती है। विभाग ने मौसम के बदलते रुख को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क और सावधान रहने की अपील की गई है। उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 37,000 विद्यार्थी प्रवेश परीक्षा में शामिल। झारखंड में उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए 37,000 से अधिक छात्र प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए। इन स्कूलों में 11,986 छात्रों का एडमिशन होना है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे निजी स्कूल में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आर्थिक तंगी उनके इस कोशिश और सपने के आड़े आ जाती है। ऐसे अभिभावकों और होनहार बच्चों के सपने को उड़ान देने के लिए झारखंड सरकार ने 80 उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों का चयन कर CBSE से समानता के साथ अंग्रेजी में शिक्षा देने की तैयारी को अमली जमा पहनाना शुरू कर दिया है। इसका जबरदस्त रिस्पांस भी देखने को मिल रहा है। बता दें, इन स्कूलों में 11,986 उपलब्ध सीट के लिए चयन परीक्षा में कुल 37,309 विद्यार्थी शामिल हुए। सबसे अधिक देवघर में 3915, वहीं पलामू में 3344, लोहरदगा में 2517, चतरा में 2352, सरायकेला खरसावा में 1818, गिरिडीह में 1693, पश्चिमी सिंहभूम में 1638, रामगढ़ में 1607 और रांची में 1554 विद्यार्थी शामिल हुए हैं। 1 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का झारखंड दौरा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 जून को एक दिवसीय दौरे पर रांची आ रहे हैं। प्रस्तावित दौरे में सीएम अरविंद केजरीवाल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करेंगे, साथ ही पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आपके झारखंड मीडिया प्रभारी सैयद अख्तर ने जानकारी देते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। पारिवारिक विवाद में फंसे ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में अपना नाम रोशन करने वाले रांची के ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा का नाम पारिवारिक विवाद में सामने आ रहा है। सुजीत मुंडा की पत्नी अनीता तिग्गा मंगलवार को रांची के सिविल कोर्ट स्थित डालसा कोर्ट में मध्यस्थता के लिए पहुंची। दिव्यांग क्रिकेटर सुजीत मुंडा की पत्नी अनीता तिग्गा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि उसके पति उसे मारपीट करते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, इसलिए वो आवेदन लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि पूरे मामले पर डालसा द्वारा संज्ञान लेने दोनों को समझाने का प्रयास किया गया ताकि दोनों के संबंध अच्छे बने रहे। अधर में मॉडल स्कूलों में संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति। झारखंड में मॉडल स्कूलों के लिए संविदा आधारित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अधर में है। पूर्व में बहाल शिक्षकों से मॉडल स्कूलों में सेवा लिए जाने के फैसले ने हजारों अभ्यर्थियों की उम्मीद पर पानी फेर दिया है। हालांकि शिक्षा सचिव ने बहाली होने का आश्वासन जरूर दिया। बता दें, एक तरफ राज्य सरकार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और मॉडल विद्यालय खोलकर शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर इन विद्यालयों में शिक्षक कौन होंगे यह अभी तक तय नहीं हो पाया।
इन विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली संविदा आधारित करने का सबसे पहले विभाग ने निर्णय लिया। झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से इस संबंध में जिला स्तर पर बहाली के लिए विज्ञापन भी निकाले गए थे। JJMP के एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह ने किया सरेंडर। 2 लाख का इनामी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन JJMP के एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह खेरवार उर्फ रघु पिता लखन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया है। एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह खेरवार ने लातेहार पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, CRPF अधिकारी अभिनव आनंद के समक्ष मंगलवार को आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण के बाद SP अंजनी अंजन ने रघुनाथ को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए 2 लाख का चेक भी सौंपा। SP अंजनी अंजन ने बताया कि सरकार के आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर रघुनाथ सिंह खेरवार ने आत्मसमर्पण किया है। बकोरिया मुठभेड़ केस पर CBI की क्लोजर रिपोर्ट को किया स्वीकृत। झारखंड के पलामू जिले में हुए बकोरिया मुठभेड़ कांड की अब आगे कोई सुनवाई नहीं होगी। CBI की विशेष अदालत ने CBI की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकृत कर लिया है। CBI ने जांच के बाद मुठभेड़ को सही बताते हुए पिछले महीने ही क्लोजर रिपोर्ट अदालत में दाखिल की थी। मंगलवार को CBI की ओर से दाखिल क्लोजर रिपोर्ट पर CBI कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने क्लोजर रिपोर्ट को सही पाते हुए केस बंद करने का आदेश दिया। हालांकि मुठभेड़ में मारे गए उदय यादव के पिता जवाहर यादव ने क्लोजर रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया है। वह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट याचिका दाखिल करेंगे। इसके लिए अदालत से समय की मांग की गई है, जिस पर अदालत ने उन्हें समय प्रदान कर दिया है। झारखंड बोर्ड इंटर कॉमर्स और आर्ट्स का रिजल्ट जारी। झारखंड बोर्ड ने इंटरमीडिएट 2023 के परिणाम की घोषणा कर दी है। 30 मई को जैक ने इंटर आर्ट्स और कॉमर्स के रिजल्ट की घोषणा की। इंटर साइंस के रिजल्ट की घोषणा 23 मई को हुई, मैट्रिक के साथ कर दी गई थी। बता दें कॉमर्स में इस साल 88.60% स्टूडेंट पास हुए हैं। वहीं बात करें टॉपर की तो इंटर कॉमर्स में टॉप 10 में 24 स्टूडेंट ने जगह बनाई है। खास बात यह है कि इनमें से 22 छात्राएँ हैं। बता दें इस साल उर्सुलाइन इंटर कॉलेज रांची के सृष्टि कुमार ने 96% के साथ इंटर कॉमर्स में टॉप किया है। इसके अलावा 24 स्टूडेंट हैं जो टॉप 10 में शामिल हैं। सृष्टि कुमारी ने पूरे राज्य में पहला रैंक प्राप्त किया है। उसके बाद रैंक 2 में भी एक छात्रा है। वहीं रैंक 3 में 4 स्टूडेंट, रैंक 4 में 3 और रैंक 5 में 2, रैंक 6 में 1, रैंक 7 में 2, रैंक 8 में 3, रैंक 9 में 2 और रैंक 10 में 5 स्टूडेंट शामिल हैं। मैट्रिक इंटर के टॉप 3 विद्यार्थियों की कॉपी वेबसाइट पर जारी करेगा जैक। झारखंड बोर्ड के वैसे विद्यार्थियों की कॉपी को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिन्होंने मैट्रिक या इंटर में टॉप किया है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने मंगलवार को इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी करने के बाद यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 10वीं और 12वीं की बोर्ड के टॉप 3 स्टूडेंट की कॉपी को वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। इस साल करीब 7.5 लाख स्टूडेंट ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दी थी। इंटर कॉमर्स में इस साल 88.60% और इंटर आर्ट्स में 95.97% स्टूडेंट पास हुए हैं। PLFI सुप्रीमो दिनेश की निशानदेही पर 15-15 केजी के 2 केन बरामद। झारखंड के कई जिलों में आतंक का पर्याय रहे PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद NIA की टीम उसे विभिन्न जगह पर ले जाकर पूछताछ कर रही है। मंगलवार को PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप की निशानदेही पर 15-15 केजी के 2 केन बम बरामद किए गए। बता दें कि दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद NIA की टीम उससे लगातार पूछताछ कर रही है ताकि उसके द्वारा छुपाए गए हथियार के अलावा अन्य खुलासे हो सके। धनबाद हादसे की जांच के लिए रेलवे ने गठित की कमेटी। धनबाद गोमो रेल मार्ग पर निचितपुर में रेलवे फाटक के पास पोल लगाने के दौरान उसके ओवरहेड तार से सट जाने सुपरवाइजर समेत 6 लोगों की मौत मामले में रेलवे ने 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया। वहीं राम कलनाली OP की पुलिस ने इस मामले में रेलवे और ठेकेदार के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। OP के सहायक अवर निरीक्षक अमित कुमार की शिकायत पर रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL और ठेके पर काम करा रही कंपनी के साइट इंचार्ज के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जांच के सिलसिले में घटना में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया है। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों ने छिपाए थे 5 ID। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नक्सली कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई है। जिले के घोर नक्सली प्रभावित टोटो थाना क्षेत्र के तुम्बा हक्का के जंगल व पहाड़ी रास्ते और गोयलकेरा थाना के छोटा कुई से
मारादीरी जंगल जाने वाले रास्ते में 4 आईडी और 1 प्रेशर बम को फिट किया गया था। इन्हें सुरक्षा बलों को लक्षित करने के उद्देश्य से लगाया गया था, जिसे पुलिस और CRPF के संयुक्त टीमों ने बरामद कर लिया है। आईडी 20 किलो, 12 किलो, 6 किलो और 5-5 किलो के थे, जबकि प्रेशर बम 5 किलो का था। सभी बमों को मौके पर ही बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया है। दिनेश गोप को भेजा गया जेल। PLFI सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची के NIA कोर्ट में पेश किया गया। 8 दिन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद दिनेश गोप को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दिनेश गोप को कोर्ट में पेश करने से पहले NIA कोर्ट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। कोतवाली थाना के इंचार्ज और DSP लेवल के अधिकारी अपने जवानों के साथ सुरक्षा में तैनात रहे। वहीं NIA रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। बता दें कि दिनेश गोप की रिमांड की अवधि पूरी हो रही थी, इसी वजह से उसे कोर्ट में पेश किया गया। मिशन 2024 को लेकर BJP के तैयारी, समर्थन अभियान में जुटे नेता। मिशन 2024 के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार 30 मई से झारखंड सहित देश भर में संपर्क से समर्थन अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के जरिए भाजपा कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के नेता, विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री सहित पार्टी के सभी पदाधिकारियों को घर घर जाकर लोगों को मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां और आगामी लोकसभा चुनाव की चर्चा कर समर्थन प्राप्त करने की जिम्मेदारी दी गई। इस अभियान की शुरुआत करते हुए BJP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 9 साल में देश के कीर्तिमान स्थापित किया है। इस मौके पर पार्टी के युवा मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति को संबोधित करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा है कि समर्पण से समर्थन अभियान का मकसद साफ है, जिसके तहत भाजपा के नेता कार्यकर्ता अपने निर्धारित क्षेत्र में जाकर लोगों तक केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताएंगे। रांची के लोगों को 60,000 वाली साइकिल भी नहीं आई पसंद। गाड़ियों और उद्योगों से निकलने वाली धुएं से राजधानी की फिजा बदल रही है। इससे पर्यावरण में जहरीली गैसें घुल रही है। इससे यहां के तापमान में भी वृद्धि महसूस की जा रही है। पहले रातों का मौसम जहां सुहाना रहता था, वहीं अब गर्मी अधिक लगने लगी है। इसके अलावा इन गैसों का लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आशंका बढ़ जाती है। बता दें, इससे बचने के लिए लोगों को ईंधन वाले वाहन को छोड़ साइकिल इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। रांची में इसके लिए योजना भी बनाई गई और कई साइकिल भी खरीदे गए। इनमें एक साइकिल की कीमत करीब 60,000 रुपये थी। हालांकि लोगों को ये साइकिल पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब आलम यह है कि साइकिल रखे रखे खराब हो रहे हैं। कांग्रेस विधायक और उनके करीबियों पर ईडी की रेड। झारखंड में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव और उनके करीबियों के यहां ईडी की दबिश जारी है। मंगलवार की सुबह से ही ईडी प्रदीप यादव और उनके करीबियों के 12 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बता दें, रांची, दुमका, देवघर सहित झारखंड के कई शहरों में विधायक प्रदीप के करीबियों यहाँ ईडी की रेड जारी है। रांची में प्रदीप यादव के करीबी एक बिल्डर के रातू रोड स्थित घर और कार्यालय में भी ईडी ने दबिश दी है। बिल्डर का नाम शिव कुमार यादव बताया जा रहा है। वहीं सूचना यह भी है कि छापेमारी के दौरान कुछ महत्वपूर्ण कागजात ईडी के हाथ लगे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हज यात्रियों का जत्था 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए होगा रवाना। हज यात्रियों का पहला जत्था रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस से सोमवार की सुबह कोलकाता के लिए रवाना हुआ। इनको छोड़ने के लिए काफी संख्या में उनके परिजन प्रातः 3:30 बजे से ही रांची रेलवे स्टेशन पहुंच गए थे। यहां से पहले जत्थे में 200 से भी अधिक हज यात्री गए हैं। उनके साथ काफ़ी संख्या में उनके परिजन भी वहां गए हैं। रांची से राज्य सरकार की ओर से 160 हज यात्रियों और उनके परिजनों को कोलकाता ले जाया गया। इन हज यात्रियों का विमान 1 जून को कोलकाता से मदीना के लिए उड़ेगा। बता दें, इस दिन 3 विमान राज्य के लोगों को लेकर मदीना के लिए उड़ेंगे। हर विमान में हज यात्रियों के साथ खादिम हुज्जाज भी जा रहे हैं। वही सोमवार की रात को भी काफ़ी संख्या में हज यात्री कोलकाता के लिए रवाना हुए। देवघर के सदर अस्पताल में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम शुरू। देवघर सदर अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब पुराने पर्चे की जरूरत नहीं होगी। अब जिस मरीज ने एक बार सदर अस्पताल में इलाज करा लिया, उसकी पूरी हिस्ट्री सदर अस्पताल में रहेगी। इसे लेकर सोमवार को सदर अस्पताल में ई हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम चालू हो गया। इसका उद्घाटन सोमवार को सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी और अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर प्रभात रंजन ने किया है। मौके पर सिविल सर्जन ने बताया कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम के स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मरीजों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी।
साहेबगंज में ब्लास्ट से चार बच्चे जख्मी। झारखंड के साहेबगंज में मंगलवार को ब्लास्ट की चपेट में आकर चार बच्चे जख्मी हो गए हैं। मामला साहेबगंज जिला के राजमहल थाना क्षेत्र अंतर्गत पश्चिमी नारायणपुर पंचायत के खास टोला का है। बता दें, ब्लास्ट में घायल हुए बच्चों की पहचान 9 वर्षीय परवीन खातून, 11 वर्षीय राकिब शेख, 8 वर्षीय मोमेना खातून और 7 वर्षीय तारिक शेख के रूप में हुई है। सभी घायलों को राजमहल अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चे खेल रहे थे कि तभी कचरे के ढेर में पड़ी विस्फोटक सामग्री में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट की सूचना मिलते ही ASI मनोज कुमार सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और छानबीन शुरू कर दी है। झारखंड में बेटों से 2.9% अधिक बेटियां कर रही तंबाकू का सेवन। ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे 2019 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि झारखंड में लड़कों से ज़्यादा लड़कियां तंबाकू का सेवन कर रही हैं। राज्य में 7.5% छात्र वर्तमान में धुआं रहित तंबाकू उत्पादन का सेवन कर रहे हैं। इनमें 6% लड़के व 8.9% लड़कियाँ शामिल हैं। ग्लोबल यूथ तंबाकू सर्वे 2019 के अनुसार झारखंड में 7.5% छात्र वर्तमान में धुआं रहित तंबाकू उत्पादक का सेवन कर रहे हैं। इनमें से 6% लड़के व 8.9% लड़कियां शामिल हैं। पश्चिमी सिंहभूम में सर्च ऑपरेशन में 11 ID बरामद। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जिला पुलिस व सुरक्षा बलों ने मंगलवार को एक बार फिर नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाए गए 11 ID बम को बरामद कर उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में टोटो थाना अंतर्गत तुम्बा हक्का गांव के आसपास जंगली व पहाड़ी क्षेत्रों में नक्सलियों द्वारा पूर्व में लगाए गए 5 व गोइलकेरा थाना क्षेत्र के मारादिनी, हाथीबुरु, मेरालगढ़ व छोटा कुंडा से 6 ID बरामद किया है। रास्ते में गड्ढा कर लोहे की रॉड की काफ़ी संख्या में तार लगे 4 स्पाइंज हॉल भी बरामद किया। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। बाबा मंदिर में 60,000 भक्तों ने किया जलार्पण। भीषण गर्मी पर आस्था भारी रहा। गंगा दशहरा के अवसर पर देवघर के बाबा मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा दशहरा को लेकर बाबा मंदिर में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुंचे। इसके पहले श्रद्धालु कुछ सुल्तानगंज में गंगा स्नान कर आए तो कुछ शिव गंगा में डुबकी लगाकर बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण किया है। बता दें, मंगलवार को सुबह से बाबा मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर भीड़ लगी रही। इस दौरान करीब 60,000 श्रद्धालुओं ने बाबा मंदिर में जलार्पण कर पूजा अर्चना और मंगल कामना की है। निशिकांत दुबे को नहीं मिल रहा सुरक्षा। बाबूलाल मरांडी ने सीएम को लिखा पत्र। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुरक्षा की अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। उन्होंने उल्लेख किया है कि सांसद की जान खतरे में है, उन्हें निर्धारित किया गया सुरक्षा घेरा प्रदान नहीं किया जा रहा। ऐसे में उनके साथ अनहोनी की जिम्मेदारी राज्य सरकार और जिला प्रशासन की होगी। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड राज्य में Y+ सुरक्षा प्रदान की है। वे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्हें पिछले 1 साल से आवंटित सुरक्षा कवर नहीं मिल रहा, यह गंभीर मामला है। बिहार में 1,70,000 शिक्षक बहाली का निकला विज्ञापन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 7वें चरण की शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी कर दिया है। मंगलवार को जारी हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के कुल 1,70,461 पदों पर भर्ती की जाएगी। शिक्षक बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 जून 2023 से शुरू होगी। अभ्यर्थी BPSC की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bis.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।